सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैं आजकल रोज़ाना वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगी रोज़ाना एक वीडियो शेयर करने की। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बिरयानी जो कि हम कुकर में बनाएंगे। बहुत ही ईजी है और टेस्टी भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पनीर बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस लिया है मैंने, 250 ग्राम पनीर लिया है कट करके रखा है क्यूब्स में, और थोड़ी सी केसर मिल्क लिया है, केसर को दूध में भिगो कर रखा है, बटर 1 टेबलस्पून लिया है। खड़े मसालों में मैंने 3 तेज़पत्ता, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 स्टार एनस लिया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर कॉर्न, 6 जीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी पुदीने और थोड़ी सी हरे धनिया कटे हुए। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हाफ टी स्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर और बिरयानी मसाला 1 टीस्पून लिया है। कर्ड हम 1/2 कप लेंगे, थोड़ी सी कैशू नट्स, 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, 1 अनियन को बारीक काट कर रखा है और 1/2 कप मैंने फ्राइड अनियन लिया है, ब्राउन अनियन। सॉल्ट लेंगे टेस्ट के अनुसार, ऑयल भी हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच, 1/2 चम्मच यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बाउल में कर्ड ले लेते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ये सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, नमक भी डालेंगे, नमक उतना ही डालें जितना पनीर को चाहिए, इसे ज़्यादा ना डालें। बिरयानी मसाला भी डाल देंगे और इसे अच्छे से फेंटते हुए मिला लेंगे। इसे हमने मिला लिया है, हम इसमें थोड़ी सी फ्राइड अनियन को तोड़कर डाल देंगे, मिंट लीव्स डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे, थोड़े थोड़े डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे मिला लें, फिर इसमें पनीर के क्यूब्स डाल करके इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिलानी है ताकि पनीर के क्यूब्स जो है वो टूटे ना। ये हमने मिला लिया है, अब हम इसे 1 आवर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे चावल को भी भिगो लिया है, इसे 1/2 आवर भिगो कर रखेंगे। फ्रेंड्स, चावल को भिगोते हुए 1/2 आवर हो गई है। मैंने यहाँ पे पानी गरम किया है 2.5 कप्स, इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाली हुई है, इसमें 1 स्टार एनस, 2 इलायची, 5 से 6 पेपरकॉर्न ब्लैक पेपरकॉर्न और 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ, और इसे ये पानी में उबाल आने देते हैं। थोड़ी सी सॉल्ट भी डाल देंगे, जितना राइस को सॉल्ट चाहिए उतना सॉल्ट डालेंगे इसमें, और पानी में उबाल आने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गई है, इसमें हम राइस को छान करके ऐड कर लेंगे और ये राइस को हमें 75% कुक करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राइस जो है अच्छे से फूल गई है और ये पूरी तरह से अभी नरम नहीं हुई है, यानी कि 75% कुक हुई है। आप इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो इसे हम छान करके एक बड़े वाले किसी भी प्लेट में फैला कर रखेंगे ताकि ये ड्राई रहे, चिपके ना। देखिए, मैं इसे स्ट्रेन करके थाली में फैला दी हूँ ताकि चिपके ना। तो चलिए बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं, इसे रहने देते हैं इसी तरह से। और यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑलरेडी तेल डालकर रखी हूँ, अब हम इसमें बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर की जगह आप चाहें तो पूरी तरह से इसमें घी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम ये बचे हुए जो ड्राई सूखे मसाले हैं ये डाल देंगे, यानी कि 6 जीरा, 3 तेज़पत्ता, 4 अनियन
और इसमें कटे हुए अनियन डाल करके अनियन को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अनियन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें हमारा जो ये पनीर है 1 आवर हो गए सेट होते हुए और राइस भी रेडी है। थोड़ी सी नीचे राइस डालेंगे ताकि पनीर अगर डाल देंगे तो चिपक जाएगा कुकर में, नॉनस्टिक होता तो हम कुकर में डायरेक्ट पनीर डाल सकते थे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी राइस ऐड किया है, फिर ये पनीर का मिक्सचर, इसे हम अच्छे से फैला देंगे, फिर इसके ऊपर हम जो हमारा राइस बनकर तैयार है इसे हम डाल देंगे, फिर इसमें इस तरह से हम गैप बनाएंगे होल करते हुए, और इसके ऊपर हम अभी डाल देंगे थोड़ी सी मिंट लीव्स, हरा धनिया भी फैला दे इसे भी, और ये कैश्यू नट्स, ब्राउन अनियन जो हमने फ्राई करके रखे हैं, केसर के दूध डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसे, और ये कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम मीडियम फ्लेम में 5 मिनट और स्लो फ्लेम में 15 मिनट कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स 30 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे। फ्रेंड्स 20 मिनट हमने कुक किया है और 10 मिनट कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, अब हम कुकर को खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिरयानी की पोजीशन क्या है। वाओ, बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं आप देख सकते हैं, और इसे आप एक बार चाहे तो मिला लें या फिर साइड से सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसमें आपने देखा होगा पानी ऐड नहीं किया है, तो आपके पास आपको एक क्वेश्चन होगा कि हमने पानी बिना ऐड किए बिरयानी को कैसे कुक कर लिया। फ्रेंड्स ये ग्रेवी जो था उसमें हमने कर्ड ऐड किया था, वो बहुत ही अच्छी सी पतली सी ग्रेवी बन गई थी, और हमने केसर दूध भी ऐड किया। राइस को ऑलरेडी हमने कुक कर लिया था तो हम मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और राइस जो है बिरयानी जो है हमारा बहुत ही परफेक्टली कुक हुई है। आपको अगर ऐसे लगे पानी ऐड करना चाहिए तो आप 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बिरयानी बनकर तैयार है, आप इस बिरयानी को किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी एरोमा आ रही है। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।